हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मेरा चल रहा है इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन शूट, और ये वाला बाय आया है मुझे, देखो हिजाब। तो ये वाला हिजाब आया है मुझे, मॉडेस्टी अबायाज एंड हिजाब की तरफ से। तो इसी का शूट चल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ फ्यू मोमेंट्स मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अगर आपको देखना है रील फोटोज़ तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। देखो ये हिजाब, इनके बहुत बेस्ट क्वालिटी हिजाब है, और मैंने इसको कुछ ऐसे स्टाइल, ये हिजाब पिन, ये स्क्रंचीज़ वगैरह भी उनके पास से आई है मुझे कोलैबोरेशन में इंस्टाग्राम से। और ये देखो कितना प्यारा लुक आया है इसका, और कितना अच्छा लुक आया है इसके। और मैंने जो सऊदी से अबाया लाया था उसके साथ टीम अप किया है, और जस्ट थोड़ा ऐड ऑन किया ऐसे ही सनग्लासेस रखे हैं। और ये देखो ये, और ये हिजाब पिंस भी आए थे मुझे। ये कोलैबोरेशन पार्सल मुझे रिसीव हुआ था मॉडेस्ट अबायाज एंड हिजाब बाय आफरीन, जिनका नासिक एंड पुणे में बिजनेस सेटअप है। तो ये उन्होंने मुझे भेजे थे 3 अलग अलग टाइप के हिजाब, स्क्रंचीज और हिजाब पिंस, एंड विद रमदान मुबारक ग्रीटिंग कार्ड, एंड एक बहुत प्यारा नोट भी लिखा था उन्होंने पर्सनलाइज्ड मेरे लिए। एंड देन मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ कैसे 3 टाइप के, एक वेलवेट हिजाब था, एक ब्लैक कलर का कॉटन ग्लिटर, और एक मस्टर्ड कलर का, और साथ में खजूर के चॉकलेट भी भेजे थे। और ये देखो ये वेलवेट हिजाब, बहुत शाइन थी इसमें, अलग अलग टाइप के हिजाब पिंस। ये मैंने पहन के देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक हिजाब आया है जो कि वेलवेट फैब्रिक में है, पिंक कलर का। तो इसका रील और फोटोशूट किया मैंने, अगर आपको देखने, बहुत शाइनी मटीरियल है, देखो इसे शाइन हो रहा है। और इसके साथ एक मैचिंग स्क्रंची भी आई है, और ये मस्टर्ड कलर में इसका गोल्डन शाइनर्स के साथ ही इसकी मैचिंग स्क्रंची है। बहुत अच्छे अच्छे हिजाब और अबाया आए हैं। तो वही, अगर आपको देखना है तो उसके फोटोज़ रील्स वगैरह, सो डू विजिट माय इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और ये जो ब्लॉग्स है, ये मेरे उम्रा ब्लॉग्स है जो कि लास्ट मंथ के है, तो अभी वो कंटिन्यूस एक के बाद एक शेयर कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल रमज़ान का मंथ चल रहा है, तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप सब प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली के लिए ज़रूर बहुत सारी दुआ करूँगी। ये तो मेरी उम्रा ब्लॉग सीरीज़ चल रही है, बट और अभी रमज़ान का मंथ है, तो ये जो जितने मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ उम्रा के, लास्ट मंथ के हैं। और रमज़ान के भी ब्लॉग्स बनेंगे इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी सारे ब्लॉग्स डालूँ। अभी तो फ़िलहाल एक वीक में एक ही ब्लॉग डाल रही हूँ, बट कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, तो आई ट्राई कि आप लोग के साथ जितना जल्दी हो सकता है ब्लॉग्स उतना शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल, बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग कोलैब्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत DMs आ रहे हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत लोग ने कमेंट भी किया है कि आपका ये लुक रिक्रिएट करो। तो इंशाल्लाह मैं भी वो एक दिन अलग से उसके लिए एक वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इन्जॉय करिए मेरे व्लॉग्स, मिलते हैं आपसे। ये देखो मेरा लुक, ये मैंने इसे, ये हिजाब को ऐसे स्टाइल किया है। ये वाला अबाया देखो, इस पर पूरा स्टोन वर्क है, ये हम लोग ने लिया था सऊदी से, मक्का में एक बहुत अच्छी शॉप थी वहाँ से, तो वहाँ का ब्लॉग में तो आएगा जो हम लोग का मदीना शॉपिंग, मक्का शॉपिंग है उसके ब्लॉग में। और ये देखो इस पर पूरा स्टोन वर्क है, वेरी पार्टी वेयर। और ये हिजाब और स्क्रंची के साथ है, आप भी ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं कभी, तो ऐसे सनग्लासेस तो ऊपर रख के। अगर आपको
मेरे पिक्चर्स और रील्स देखने हैं अबायास में और डिफरेंट स्टाइल वगैरह के बारे में, तो डू विजिट माई इंस्टाग्राम पेज सानिया शेख 91, आईडी में मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, सो डू विजिट माई इंस्टाग्राम पेज। तैयारी की तैयारी में आई थी ग्रॉसरी लेने के लिए, ग्रॉसरी स्टोर मिल्क चीज़ और जेली लेने के लिए, तो यहाँ से मैंने सामान ले लिया इफ्तारी बनाने के लिए। यहाँ हमारी हो रही थी चाइना ग्रास की तैयारी, चाइना ग्रास मेल्ट हो रहा था और चिकन ग्रेवी की तैयारी और दूध बॉईल हो रहा था, और यहाँ रूहा छिल रही थी बॉइल्ड आलू जो हम लोग को चीज़ ब्रेड आलू रोल में लगने वाले थे, ये जेली में यूज़ करने वाली हो जेली बनाने के लिए। और ये मम्मी देखो बॉइल्ड जो चाइना ग्रास है उसको दूध में मिक्स कर रहे थे क्योंकि पूरा मेल्ट हो गया था, और इसको आप अच्छे से स्टर कीजिएगा, उसमें शुगर ऐड कीजिएगा जितना आपको ज़रूरी है। एंड देन ये देखो ये चाइना ग्रास का पैकेट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और जेली का, तो ये हम लोग ने अलग अलग बोल्स में डाल के रख दिया था सेट करने के लिए, कुछ टाइम ऑटो विदाउट फ्रिज भी ये सेट हो जाता है, फिर ठंडा करने के लिए आप इसको फ्रिज में बाद में रख सकते हैं। और साइड बाय साइड ये मैश पोटैटोज़ में मैंने चिली फ्लेक्स, उसके जो सारे ओरिगानोज और जितने मसाले थे वो डाल के मैंने इसका ऐसे बैटर प्रिपेयर किया था, सॉल्ट और कुछ भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, और ये मैंने इसका बैटर मिक्स करके रेडी कर लिया था। और साइड बाय साइड चाइना ग्रास के जेली बनाने की तैयारी कर रही थी, तो ये जेली का जो पैकेट था मैंने उसको एक प्लेट में निकाल के उसको पहले उसका जो पाउडर है पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि लंप कोई रहे ना बाद में, और फिर उसके बाद में पानी अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा, उसमें वो ऐड करके उसको बस स्टर किए। एंड ये जेली का ये जो लिक्विड है प्रिपेयर होने के बाद जो हम लोग ने प्याले में चाइना ग्रास जमाया था उसके ऊपर ये जेली डाल दीजिए, तो ये हम लोग का जेली वाला चाइना ग्रास रेडी हो जाएगा। इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और ये थोड़ा जब सेट हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे तो आप इसको फ्रीज़र में डाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा लाइक हाफ एन आवर और वन आवर के लिए, एंड देन इट इज़ रेडी टू ईट। तो हम लोग ये इफ्तार में अपने नेबर्स वगैरह के लिए भी बनाए थे अच्छी क्वांटिटी में बांटने के लिए, तो आज हम लोग ने इफ्तार में ब्रेड रोल चीज़ वाले और चाइना ग्रास बांटा था अपने आस पड़ोस में और इफ्तार में खाने के लिए भी। तो ये ब्रेड रोल ये देखो मैंने इसको चीज़ वगैरह डाल के इसका रोल बना के रख दिया था, और साइड बाय साइड खस का शरबत बहुत अच्छा होता है पेट में ठंडक के लिए, तो खस का शरबत भी बना लिया था, और सब्ज़ा की बींज डाल के क्योंकि आज रोज़े में बहुत हीट होती है तो ये अच्छा होता है ठंडक के लिए। और ये असर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो असर की नमाज़ पढ़ के मैंने जैसे बालकनी के बाहर देखा तो इतनी रश, पूरा रोड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया था क्योंकि हम लोग के यहाँ पे रमज़ान की बहुत रौनक लगती है और इतनी गर्दी होती है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर पुणे से लोग आते हैं, यहाँ शरीफ केटर बहुत फेमस है, तो यहाँ से इसके स्टार्टर वगैरह लेने के लिए तो हर साल का है पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है इफ्तारी के टाइम पर एक घंटा। तो और ये ब्रेड रोल तल लिया था मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद, और कुछ रोल तलने के लिए रख लिए थे, और फटाफट इफ्तारी की प्लेट बना रहे थे, और ये कुछ बाहर से लेके आए थे समोसा चीज़ रोल काड़ी गोश फ्रूट वगैरह कट करके रख दिया था, और ये हमारे नेबर्स ने दिए थे कुछ कुछ डिशेस, तो ये हम लोग सब दस्तरखान अच्छे से सजा लिए, और ये इफ्तार का वक्त हो चुका था तो हम लोग अपनी इफ्तार इंजॉय कर रहे थे। और हुआ ब्रेड चीज रोल खा रही है जो मैंने बनाया, रुआ कैसे लगा ये देखो, मुंह का मत ले, अच्छा है गाइस अच्छा है। तो ये खा रहे जेली वाला चाइना ग्रास, बहुत अच्छा बना, टेस्टी नमक।
तो ये ब्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर से और एक बार आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और स्टे ट्यून्ड। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।